24 एजेंडा आज कलेक्टर काफी 23 एजेंडा शामिल किए गए थे और सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ साथ जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई, जानकारी ली गई, जमीनी स्तर पे क्या क्या काम हो रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, एक एक जिले की जानकारी ली गई, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट का मामला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यमिक स्कूल की बात हो, चाहे नगरीय प्रशासन की बात हो, चाहे वो हमारे नरवा गरवा घुरवाबाड़ी की बात हो और जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी बात हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के जो ज़मीन है उसके जानकारी लें कि सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और इसके साथ साथ जो आवश्यक निर्देश हैं उनके बारे में भी आवश्यक निर्देश भी दिए गए। सर, कानून व्यवस्था को लेकर आपने सख्त निर्देश दिए हैं, आपने कहा है कि कलेक्टरों को इसकी पूरी जिम्मेदारी है। देखिए, जब तक कि शांति की स्थापना नहीं होगी आप विकास कार्य नहीं कर पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था बनाए रखना और हर स्थिति में यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। और आजकल जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से घटना को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है और उस प्रकार से एक विश्वास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए बहुत ज़रूरी सचेत रहने की। और इसमें पुलिस की भूमिका तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है, उस कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भी अहम जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे निर्माण एजेंसियां हैं, सारे विभाग हैं, उन सबके कार्य सारे हमारे मंत्री जी ने बधाई दे दी है। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, 60% से ऊपर उम्र के लोग में 93% हो गया, 45 साल से ऊपर के लोगों के 60% से अधिक वैक्सीनेशन हो गया। लेकिन अभी वैक्सीनेशन हमारे यदि कम हो रहे हैं तो उसके कारण भी वैक्सीन की उपलब्धता। देखिए, बस्तर में एक मामला सामने आया है जिसमें अधिकारी संग्रहण केंद्र पर धान में रेती मिलाते हुए पाए गए। धान में संग्रहण अभी खरीदी शुरू नहीं, पिछले साल का जो स्टॉक बचा हुआ है उसमें, यदि ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, धान को लेकर आपने निर्देश, डॉक्टर अमन सिंह ने यह भी कहा था कि जो अंग्रेजों के समय में कलेक्टर होते थे उनका शब्द कलेक्टिंग एजेंट के रूप में होता था, पैसे लोगों से लिए जाते थे, उसको भूपेश बघेल शत प्रतिशत उसको साबित कर रहे थे। हमको पता है 15 साल में कलेक्टरों से कैसे कलेक्ट कराते थे, एसपी से कैसे कलेक्ट कराते थे। रमन सिंह जी को नहीं पता तो घर वालों से पूछ ले, बताने की जरूरत नहीं है। आज किसी कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग उस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से रमन सिंह के कार्यकाल में होते थे, ये बताने की कोशिश ना करें। यदि उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली उनके तरफ उठती है। ये वैक्सीनेशन को लेकर समय में धान खरीदी के बाद व्यवस्था के बारे में, मिलिंग की व्यवस्था के बारे में, पीडीएस सिस्टम के बारे में, सब विषयों में चर्चा। भ्रामक खबरों को लेकर आपने भी निर्देश दिए, भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। देखिए, आजकल जो एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, के ऑथेंटिक सोर्स होते हैं और एक जवाबदेही होती है। लेकिन सोशल मीडिया है, उसमें जो भ्रामक खबरें बहुत तेज़ी से फैलती है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और यदि उस प्रकार से भ्रामक जानकारी यदि सोशल मीडिया में फैलाया जाता है तो उसे तुरंत काउंटर होना चाहिए कि वस्तु स्थिति के बारे में आम जनता को जानकारी हो जाए, तो ये जो भ्रम फैलने की स्थिति है वो नहीं होगी। सारी जिम्मेदारी नेहरू की है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लान बनाया, नेहरू जी कोरबा में यूनियन प्लान बनाया, नेहरू जी नवरत्न बनाए, वो निर्माण किए, तो क्या बेचने की जिम्मेदारी इनकी है? केवल बेचने की। आज देश में जो निर्माण के न्यू बनाने का, आधुनिक भारत बनाने का काम नेहरू जी ने किया है,
उसे सबको बेचने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के, उसके बारे में रमन सिंह कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ तक कि आपने कहा था 370 हटा देंगे सब खत्म हो जाएगा, 35 से हटा देंगे सब समाप्त हो जाएगा, नोटबंदी कर देंगे तो सब आतंकवादियों की कमर टूट जाएंगे, सारे आप कर लिए उसके बाद क्यों? तो आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए नेहरू जी का आड़ लेते हैं, और नेहरू जी जवाब तो देने आएंगे नहीं। आप सवाल करिए ना अभी, और हम जो सवाल करते उसका जवाब क्यों नहीं देते? और हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष के नेता यदि सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पीछे ईडी लगा देंगे, आईटी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। ये स्थिति, अरे प्रियंका जी कस्टोडियल डेथ में उस परिवार से मिलने जा रहे थे उसको आप रोक रहे हैं, तो जवाब तो इसका होना चाहिए। जो व्यक्ति है नहीं, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, शास्त्री जी नहीं, यदि उसे सवाल करेंगे तो जवाब देने कौन आएगा? उसका जवाब हम तो नहीं दे सकते। लेकिन आज आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं, सवाल आपसे किए जाएंगे और जवाब आपको देना है। एक हमारी योजना ही यही है, भारत सरकार धान खरीद नहीं रही, चावल खरीदती नहीं, सारे प्रकार के अड़ंगे लगाए बैठे हैं, तो धान के अलावा दूसरे फसल लें, इसके लिए हमने तो प्रोत्साहन दिया है, इनपुट सब्सिडी दिया है। यदि धान के बदले दूसरे फसल लेते हैं, कोई भी फसल ले, तो उसे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम इनपुट सब्सिडी देंगे। ये तो हमारी योजना ही है। और वृक्षारोपण करते हैं तो 10,000 रुपये 3 साल तक के देंगे, ये भी हमारी योजना है। हमारी कोशिश ये है कि दूसरे फसल लें। ठीक सर, थैंक यू सर।